स्कूल फाइनली शुरू हो गया है ऑलमोस्ट हर जगह। आज मेरे पास 7 ऐसे चीज़ों का लिस्ट है जो आप कर सकते हैं जब बच्चे स्कूल में हो। मेरा नाम है प्रीतिका लूनिया, आप देख रहे हैं कैप्टन प्रीतिका। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर वन थिंग इज़ ज्वाइन समथिंग। यू नो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्टली मदर्स होती है ना, जब वो अपने मदर का घर छोड़ के आती है ना, तो उस डोर स्टेप पे बहुत सारे हॉबीज़ को वहीं छोड़ देती है जो उसको, जिसके बारे में बिल्कुल भूल जाती है जब वो अपने फैमिली में इन्वॉल्व हो जाती है, अपने ससुराल में इन्वॉल्व हो जाती है। और मैं चाहती हूँ आप लोग उन चीज़ों को फिर से बुलाए, उस डोर स्टेप से, अपने मम्मी के घर के डोर स्टेप से फिर से लेके आए। लाइक जुम्बा, पेंटिंग, स्पोर्ट, डांस, स्विमिंग, कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपको एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पसंद था, बट देन बिकॉज ऑफ एवरीथिंग यू गॉट बिजी इन एवरीथिंग कि ये निकल गया हाथ से। तो उसमें से कुछ भी एक चीज़ चूज करके जो आपको पहले भी बहुत पसंद था उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पैम्पर योर सेल्फ। अब ऐसे हम लोग बहुत बार पैम्पर करते हैं, बात उसमें नहीं है, बात क्या है, हम लोग जब भी अगर हेयर कट कराने भी जाते हैं और बच्चे अगर घर पे है ना, वी आर ऑलवेज थिंकिंग लाइक जल्दी करो भैया, बच्चे घर पे छोड़ के आए। कुछ भी काम करने जाते हैं हमेशा, वी आर ऑलवेज वरिंग, अभी इसका खाना बनाना है, अभी इसका टिफिन डालना है, अभी इसका यू नो ट्यूशंस है, ये वो है ना, तो वी आर ऑलवेज बिजी। हम लोग का दिमाग हर वक्त कहीं ना कहीं चल रहा होता है। तो फाइनली आप हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाल सकते हो, एटलीस्ट महीने में एक दिन ऐसा निकाल सकते हो जब आप पूरी तरीके से फ्री हो, बिकॉज किड्स आर एट स्कूल, ठीक है, तो आप आराम से स्पा कराने जाओ, मसाज कराने जाओ, अपने आप के साथ कॉफ़ी पीने चले जाओ। हर वक्त किसी के साथ जाना ज़रूरी नहीं है, यू कैन गो विथ योर सेल्फ, जस्ट रिलैक्स एंड चिल, दैट्स इट। नंबर 3 पॉइंट, स्टॉप वरिंग अबाउट द चाइल्ड। क्या होता है ना, हम लोग एज अ पेरेंट, यार टिफिन ख़त्म करेगा या नहीं पता नहीं, पानी पीता नहीं है, ये पूरा पानी का बॉटल ऐसे लेके आ जाता है, ठीक है, 6 तल्ला में मेरे बच्चे का क्लास है, अगर लिफ्ट में लाइन लगा हुआ रहा तो वो पैदल कैसे जाएगा, इतना भारी बैग है। दीज आर जस्ट 3 एग्जाम्पल्स जो हम लोग सोचते हैं। हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं बच्चों के बारे में कि ये चीज़ वो कैसे हैंडल करेगा, और ये और ज़्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि लास्ट 2 साल से हम लोग सब अपने बच्चों को इतना ज़्यादा अपने एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रख रखे हैं, अपने पास में, अपने क्या बोलते हैं, सुरक्षित जगह में, कि सब कुछ उनका हम लोग केयर कर रहे हैं, तो अब वो खुद खुद से करने का टाइम आ गया है। सो वी हैव टू लीव इट ओपन। अपने बारे में सोचो, हम लोग भी तो चलते थे 5 बजे 6 तल्ला बैग्स लेके, उस टाइम तो इतना सारे स्कूल्स में लिफ्ट भी नहीं होते थे तो पैदल ही जाते थे, चले जाते, कुछ नहीं होता था, ऐसे कुछ नहीं हुआ यार, हैंडल हो जाएगा। जब आप किसी स्कूल में देते देते हो तो यही सोच के देते हो ना कि बढ़िया से बढ़िया हम स्कूल में देंगे। जब आप बढ़िया से बढ़िया स्कूल में दिए हो तो विश्वास भी तो रखो स्कूल के ऊपर में कि वो लोग भी जिम्मेवारी से रखेंगे आपके बच्चों को, है ना। नाउ 4th पॉइंट है, स्टार्टअप बिजनेस या पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। दोनों में से मैं आपको जो भी बताऊंगी ना पॉइंट्स, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर समझ में आएगा, तो जस्ट लिसन, ओके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक स्मॉल बिजनेस की, छोटा सा बिजनेस आप घर से शुरू कर सकते हो, ठीक है। यू कैन सेल अ प्रोडक्ट और जो चीज़ आप बनाते हो, जैसे कि हम कपड़े बेच सकते हैं, कुर्ता, बच्चों का कपड़ा, नाइट सूट्स, बहुत सारा आप कैटेगरी होता है, एक नीच डाउन कर लो कि मुझे इस कैटेगरी का ही स्टार्टिंग में बेचना है, ईजी रहता है आपको कस्टमर मिलना, कि हम अभी पर्टिकुलरली यही चीज़ें बेचते हैं, बाद में और बढ़ा सकते हैं, आप उसमें चीज़ें डाल सकते हो। तो क्लोदिंग हो गया, अगर आप केक बनाते हो या कुछ भी अच्छा चीज़ बनाते हो उसका कर सकते हैं, ज्वेलरी का, कोई भी ऐसा चीज़ विच यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, जिसका बहुत शौक है आपको, क्योंकि अगर बहुत शौक होगा ना तभी आप उसको और आगे बढ़ा पाओगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई सर्विस सेल कर सकते हो, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, आजकल कैनवा में बहुत इजीली बन जाता है सब इमेजेस वगैरह, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, ऑनलाइन करना है किसी का भी सोशल मीडिया हैंडल करना है, दिन में 1-2 पोस्ट करना है, आप कभी भी फ्री टाइम में बना लिए पोस्ट को और उसको अपलोड कर दिए, शेड्यूल कर दिए, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो मैं लिस्ट दे रही हूँ ना, काफ़ी सारे चीज़ों पर मेरा वीडियोज ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं देखती हूँ आई बटन में दे दूंगी, नहीं तो पूरा प्लेलिस्ट दे दूंगी, आप उसमें जाके देख सकते हो, हर एक के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। सबके बारे में नहीं है, इनसे काफ़ी सारे के बारे में है। अच्छा चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नंबर 5, वॉच टीवी। अच्छा ये तो कोई बड़ा बात नहीं है ना, पर आप याद करो कब एकदम शांति से टीवी देखे थे, या तो हम लोग मोबाइल में ही सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है, या जब भी देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले वाले पॉइंट में बोला था, हर टाइम कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है, ये करना है, वो करना है, ये वो है ना, तो ना बच्चों कुछ कुछ बोलते रहते हैं, ऑल दैट यू नो, तो बीच में कभी कभी शांति से सिर्फ टीवी देख लो, ये भी बहुत बड़ा उपकार करेंगे अपने ऊपर आप। नंबर 6, ज्वाइन एन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, कोई भी एक जॉनर चूज करो,
लाइक अभी मैंने रिसेंटली रील्स पे एक कोर्स किया, सौरभ जैन का कोर्स है, क्योंकि मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है रिसेंटली कवर्स का, आईफोन कवर्स का। तो उस बिजनेस में को अगर मेरे को एक्सपैंड करना है, अच्छा करना है, तो मुझे रील्स में काफ़ी अच्छा होना पड़ेगा। सो आई टुक अ कोर्स ऑफ रील्स, इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स। तो अगर आप भी अगर इंस्टाग्राम में कुछ कर रहे हो, रील्स के बिना इंस्टाग्राम सक्सेसफुल होना अभी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो ये कोर्स आप ज़रूर ले सकते हो, मैं रिकमेंड करूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको जाके देख सकते हो अगर इंटरेस्ट है तो। 699 का आई थिंक है कोर्स, वट एवर, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, जस्ट मैं बता रही हूँ कि अभी मैंने रिसेंटली लिया था। अच्छा है ये तो, चलो हो गया, ये मेरे को अभी सीखना था क्योंकि मैं अभी इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। बहुत सारी चीज़ ऐसे, जैसे सपोज करो आपको फिटनेस में बहुत इंटरेस्ट है, तो अगर आप सर्च करोगे ऑनलाइन फिटनेस कोर्सेज तो बहुत सारे मिल जाएंगे, वैसा कर लो, ठीक है? और आपको फिजिकली जाके करना, आपको लगता है कि ऑनलाइन इतना समझ में नहीं आता, पता, जैसे जाके करते हैं। सपोज करो आपको फैशन में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप सर्च करो फैशन स्कूल नियर मी, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, 2 महीना का, 3 महीना का, 6 महीना का, वैसे कोर्सेज कर लो, बहुत मजा आएगा अगर आप अपने पसंद का चीज करोगे तो। ये स्कूल की पढ़ाई की तरह मत लो उसको, उसको ऐसे लो कि आपको जो चीज पसंद है उसी का ही मेरे को कोर्स करना है, तो मजा आएगा उसमें। लास्ट है, जो रेगुलर हम लोग काम करते हैं, वही एक्स्ट्रा, बच्चे नहीं है तो बहुत सारा हम लोग घर का एक्स्ट्रा काम खत्म कर सकते हैं, इसको मेरे को लिखने का जरूरत भी नहीं था, वो हम लोग करते ही हैं, बट थोड़ा सा इस बार एडिशन दो कि थोड़ा एसी वेसी चला के, हाँ, और थोड़ा सा म्यूजिक, आपका फेवरेट गाना वाना लगा लो पीछे, या फिर कोई पिक्चर चला लो, और फिर आराम से एक अलमारी ठीक कर लिया या वॉट एवर जो भी नेसेसरी है, क्योंकि हम लोग के पास अभी लग्जरी ऑफ टाइम है, बच्चे घर पे नहीं है, इसीलिए ये सब चीज़ पॉसिबल है, वरना रेगुलर तो हर काम होता ही है, हर काम करते ही है ना? सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो मेरे को लगा कि यू कैन डू सिटिंग एट होम। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे मैंने सारा दिया हुआ है पॉइंट्स आपको, 7 पॉइंट्स, एंड यू कैन रेफर टू इट एनी टाइम। तो मेरे को ज़रूर बताना आप क्या करने वाले हैं जब बच्चे स्कूल जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।